ठीक है। देखिए ये क्लास जो है बेसिकली अगर मैं बात करूं आप सबसे, तो ये क्लास यूजीसी नेट पर आधारित है जिसका एग्जाम जून में होने वाला है। इस बार बेसिकली मैंने क्या किया है कि यूजीसी नेट के स्टूडेंट के लिए यूनिट नंबर 10 से बातचीत कर रहा हूं। इसके बाद यूनिट नंबर 9 होगा और उसके बाद यूनिट नंबर 8 होगा, 7 होगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे बात होगी। लेकिन आपको मैं क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे कि DSSSB का भी सोशल वर्क है, तो जब मैं सोशल वर्क वहां पे पढ़ाऊंगा तो वो आपका रिलेट कराएगा यूनिट नंबर 1, ठीक है। तो वहां आप लोग उसको ज्वाइन आप लोग करिएगा, क्योंकि लिंक दूंगा आप लोगों को, ठीक है। फिर भी आपकी क्लास चलाई जाएगी फिर भी, है ना, जब आपका यूनिट नंबर 1 आएगा। तो ये एक्ट जो है DSSB के लिए इंपॉर्टेंट है, MPPSC के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ अगर आप सफाई का एग्जाम भी देने जा रहे हैं मेडिकल सोशल वर्क में, तो वहां पर भी ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे आज जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बारे में। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बारे में जो मेन मेन चीजें हैं उस पर बात करेंगे, और देन उसके बाद हम लोग कुछ प्रश्न बात प्रश्न लिए हैं क्विज, उन क्विजों पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो इस अधिनियम का अगर हम बात करें, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? आप सबको मैंने जो लास्ट क्लास हुई थी कल वाली, हाँ म्यूट रहिएगा प्लीज, है ना। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? किसी चीज, हाँ रोकना, रोकना किसी चीज को, हाँ किसी चीज को रोकना। प्रतिषेध अधिनियम बेसिकली ये एक प्रकार से दर्शाता है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, है ना। तो बेसिकली दहेज प्रथा पर रोक लगाने की बात करता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। और दहेज का तात्पर्य होता है एक प्रकार से, अगर हम बात करें आप लोगों से, तो आप उपहार कह सकते हो दहेज पर, है ना। और वो ऐसा उपहार जो मूल्यवान उपहार हो उसकी बात करता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे हम लोग क्या सेवा भी प्रोवाइड कराते हैं, है ना, तो सेवाएं नहीं, उपहार अगर कोई मूल्यवान है तो उस पर बात की जाती है, उसको कहा जाता है दहेज, ठीक है। हालांकि साथ ही कानून का इरादा है कि विवाह के समय या विवाह के दौरान दिए गए सभी स्वैच्छिक आदान प्रदान या उपहारों को दंडित करना नहीं है, दंडित करना नहीं है, इसका बेसिकली एक उद्देश्य बताया गया है, है ना। दहेज निषेध अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है वो बेसिकली दर्शाता है दहेज प्रथा को रोकने से संबंध में, उपहार को रोकने के संबंध में। कई धाराएं हैं, उन धाराओं पर भी हम लोग अभी बातचीत करेंगे, ताकि यहां पर आपको ये चीजें जो है क्लियर हो जाए। तो पहले ध्यान सुनिएगा, यह अधिनियम जो है दहेज को या दहेज का देना या लेना प्रतिषिद्ध, प्रतिषिद्ध का मतलब होता है रोकना, है ना, या रोकने। तो प्रतिषिद्ध करने के लिए बनाया गया है यह अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का। इसमें कुछ धाराएं हैं, उन धाराओं पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, मेन मेन जो धाराएं हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि कोई भी अधिनियम आता है तो उस अधिनियम में धारा एक में जो दिया होता है वो संक्षिप्त नाम दिया होता है, और साथ ही साथ वहां पर विस्तार दिया होता है, और उसकी स्वीकृति और लागू करने की तिथि दी होती है धारा एक में। ये सभी अधिनियम में यही चीजें कॉमन होती हैं। तो यह संपूर्ण भारत पर लागू है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। राष्ट्रपति के द्वारा इसे जो स्वीकृति मिली है वह 20 मई 1961 को मिली है, लेकिन इसको जो लागू किया गया है 1 जुलाई 1961 से लागू किया गया है, 1961 से इसको जो है लागू किया गया, इसीलिए कहा जाता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 यानी 1961, ठीक है। यह आपको ध्यान में रखना होगा, क्लियर है इतनी बात, बताइए इतना स्पष्ट, ओके। अब देखिए धारा नंबर 2 समझते चलिएगा, अभी प्रश्न भी आप लोगों से यही मैं करवाऊंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे वो आपको यहां पे क्लियर भी अभी हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ आपको क्लियर दिखाई दे रही है? नहीं, थोड़ा ब्लर है। ब्लर है थोड़ा सा, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप तुरंत बताया करें, ठीक है,
करते हैं धारा नंबर दो पे। धारा नंबर दो क्या कहता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि दहेज की परिभाषा इसमें बताई गई है। जैसे कि धारा नंबर दो में आपने अभी तक देख रहे थे जो हमने किशोर अधिनियम के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे किशोर की परिभाषा वगैरह को रिप्रेजेंट किया गया। बाल विवाह अधिनियम के बारे में पढ़े तो बाल के लेकर रिलेट कराया गया। लैंगिक यानी यौन लैंगिक से संबंधित पोस्को एक्ट को हमने पढ़ा था तो उसकी परिभाषा वगैरह हम लोगों ने देखा था। ठीक उसी प्रकार से धारा दो भी क्या कहती है, दहेज की परिभाषा कर रही है। कहता है कि इस अधिनियम में दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है। अभिप्रेत का मतलब होता है तात्पर्य, क्या होता है इसका आशय तात्पर्य, जो विवाह के समय या उससे पूर्व या पश्चात विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को दिया जाता है या उससे लिया जाता है, उसे दहेज कहा जाता है। तो विवाह के समय आप कह लीजिए, या तो विवाह से पहले बात होती ना भाई कि इतना दहेज तिलक वलक में आ जाता है, भाई कितने पैसे आ गए, विवाह हुआ नहीं, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो, उसको बोलते हैं बरक्षा भी बोलते हैं, तिलक भी कहा जाता है ना, उसमें पैसे ले लिए जाते हैं। या अगर मैं आपसे कहूं कि या तो आपने कोई करारनामा जारी, मतलब कोई एक करार, करार का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट आपने करवा लिया, करार का मतलब एग्रीमेंट होता है, या कोई आपने करार कर लिया कि भाई हम विवाह के बाद जो है आपको इतना पैसे देंगे या आपको गाड़ी देंगे, इस तरीके कोई आपने वादे कर लिए, और यह एक पक्ष के द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष से जो आप करते हैं वही बेसिकली क्या कहलाता है, दहेज कहलाता है। ठीक है, तो आप परिभाषा में भी कह सकते हो कि दहेज का तात्पर्य होता है कि विवाह के समय या विवाह के पहले या विवाह के बाद या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया जाने वाला उपहार क्या कहलाता है, विवाह है, उसको आप इस तरीके से अपने शब्दों में बोल सकते हो। तो इसके अंतर्गत विवाह के संबंध में या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिया गया हो या देने के लिए करार, करार का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होता है, करार दिया गया हो वो शामिल होता है दहेज में, तो उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, दहेज कहते हैं। तो विवाह का संबंध या तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब होता है आमने सामने होकर आप दे सकते हैं, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि आमने सामने नहीं, भाई किसी को पता नहीं चला, जिनको आप दहेज दे रहे हैं केवल उसको पता है और जो दे रहा उसको पता है, वो अप्रत्यक्ष हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष। तो इसको जो है इस प्रक्रिया में चाहे वो प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष देने के लिए जो करार किया गया है उसी कहते हैं दहेज। इसके बाद बात करते हैं, किंतु एक बात ध्यान रखिएगा यहां पर, मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह समय, विवाह के समय दिया गया मेहर दहेज के अंतर्गत नहीं आता है। एक शब्द यूज होता है बेसिकली मेहर शब्द में, मुस्लिम विवाह में मेहर शब्द का नाम सुना होगा आप लोगों ने, परीक्षा में सवाल भी आ चुका है ना, मेहर जानते हैं आप, प्लीज अगर जानते हैं तो बताएं टाइम जी क्या होता है। एक मुस्लिम विवाह के अंतर्गत आप ये कह लीजिए या तो ये संस्कार है या तो आप ये कह लीजिए कि एक प्रकार से कोई एक प्रतिक्रियाएं हैं मेहर, ठीक है, मेहर एक ऐसा शब्द रिलेट होता है मुस्लिम विवाह के अंतर्गत, और इसका तात्पर्य होता है धन या अन्य संपत्ति जिसके जिसे विवाह के बाद पत्नी को पति के द्वारा, पत्नी को पति द्वारा दिया जाता है, पत्नी को पति द्वारा दिया जाता है जिस पर पत्नी का पूरी तरह से हक होता है, वह प्रक्रिया मेहर कहलाती है, मेहर। तो मेहर शब्द दहेज के अंतर्गत नहीं आएगा, यह शब्द आप थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि परीक्षा में यह पूछा भी जा चुका है, यह परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर इसमें क्या चीज शामिल होती है, इसमें जैसे अगर मैं आपसे कहूं इसमें एक प्रकार से जो पति होता है ना, जो पति होता है वो पत्नी को धन दे सकता है या कोई गिफ्ट या कोई संपत्ति या कोई अन्य संपत्ति जिसे विवाह के बाद ना, विवाह के बाद पत्नी को पति के द्वारा दिया जाएगा। जैसे आप दहेज वगैरह देते हैं है ना, तो हम क्या करते हैं यहां पे कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है ना, हिंदू विवाह में है ना, और मुस्लिम में ऐसा नहीं है। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इस जो है पुरुष द्वारा दिया जाता है महिला को,
क्लियर है? तो सर इसमें डिफरेंस तो सिर्फ यही बदल गया, लेकिन दिया तो गया ना फिर। हाँ दिया गया, लेकिन ये बेसिकली इसमें एक मुस्लिम विधि है जी, है ना, मुस्लिम विधि है, मुस्लिम मेथड है, उस एक कमेटी आप समझिए कह लीजिए, कमेटी के द्वारा ये सारी चीजें होती है। तो इस अधिनियम के अंतर्गत ये नहीं आता है। अगर आप दहेज वगैरह भी दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो उनका एक मेथड, वो अलग है। आप ये, मैं यहां इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये आप मत समझिएगा कि मुस्लिम विवाह में जो मेहर शब्द है, क्योंकि यहां पे आप जो धन लेन देन हो रहा है, तो इसे मत समझिएगा कि दहेज के अधिनियम के अंतर्गत आता है, इसे मत समझिएगा आप। ये मुस्लिम विधि है, एक मुस्लिम के अकॉर्डिंग एक कमेटी समझ लीजिए है जो वो तय करती, तो उसके अकॉर्डिंग वो जाता है। वहां अगर आप दहेज लेन देन करेंगे तो वहां चले जाएगा, उसके अकॉर्डिंग, वो दूसरा सिस्टम है। ठीक है, क्लियर है? जी सर। हाँ यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला अगर हमारे सामने अगर बात आता है धारा तीन कहता है कि दहेज देने और लेने के लिए सस्ती है ना, दहेज लेने और देने के लिए सस्ती। सस्ती का तात्पर्य किस चीजों से आप रिलेट कर सकते हैं? प्लीज, दुष्प्रेरित नाम सुना आपने? दुष्प्रेरित किसी को, मैंने आपको पहले भी लास्ट वाली जो क्लास हुआ था मैंने उसको जिक्र किया था कि आप उक्षाना, हाँ उकसाना भी आप कह सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब, उकसाना भी कह सकते हो। मतलब आप, मतलब नकारात्मक दृष्टिकोण से आप उसे मोटिवेट कर रहे हो। तो दहेज लेने और देने के लिए जो दुष्प्रेरित प्रक्रिया है वो धारा नंबर तीन में है। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद, अधिनियम के प्रारंभ के बाद, ध्यान से सुनते चलिएगा आप सभी लोग, प्रारंभ के बाद ठीक है, या पश्चात दहेज देगा या लेगा, अथवा दहेज देना लेना दुष्ट प्रेरित करना, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि है 5 वर्ष से कम नहीं होगी, यानी अधिक हो सकती है, और जुर्माने से जो 15,000 से या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम तक, इससे इसमें जो है इनमें से जो भी अधिक होगी वह दंडनीय होगा। समझिएगा बात को। पहली बात ये, इसमें बेसिकली जिक्र ये किया गया कि अगर दहेज लेना देने से संबंध में कोई दुष्प्रेरित करता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये होगा कि उसको 5 साल से अधिक या 5 साल तक जेल हो सकती है। तीसरी बात, 15,000 रुपए उसको जुर्माना लगा जा सकता है। चौथी बात, देखिए जो 15,000 जुर्माना है वो प्लस में जो दहेज की रकम है टोटल, जो आपने दहेज दिया है उसकी रकम, इन दोनों में जो ज्यादा बड़ी होगी, जो ज्यादा अधिक होगा पैसे में, वह दंडनीय होगा। अधिक वाला क्या होगा? दंडनीय होगा। क्लियर सर? एक बार इसको फिर से रिपीट कर दीजिए। नहीं समझे, मैंने आपसे कहा कि इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर रकम की बात होता है जुर्माने को लेकर, जैसे 15,000 रुपए उसको जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि दहेज में उसने कुल खर्च कर दिए 50,000 रुपए, दहेज में मूल्यवान वस्तु वगैरह दिया 50,000 रुपए, तो 15,000 से ज्यादा है आपका 50,000, तो 15,000 ना देकर उसे 50,000 रुपए का जुर्माना फिर लगा दिया जाएगा। क्लियर? हाँ, यही बेसिकली यह दर्शाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सर, इसमें देने वालों के ऊपर भी लगेगा क्या? बिल्कुल, ये तो सर दहेज लेने और देने दोनों की बात कर रहा है ना। यहां तो देखिए आप, लेना अथवा देने के संबंध में बात हो रही, दुष्प्रेरित करेगा, तो ये दोनों परिपेक्ष में है ना, दोनों परिपेक्ष में है। धारा चार के का हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि मतलब जितना अमाउंट दहेज का रहेगा उतना अमाउंट उसको जुर्माना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कह सकते हो, लेकिन क्वेश्चन जो ऑप्शन में आएगा तो हमें ये पॉइंट भी जानना जरूरी होगा ना कि 15,000 भी अगर ऑप्शन में आएगा तो वहां पर भी उसको कट करना है। अगर 15,000 से जो उपहार की राशि है दहेज की, वो भी हमें हो सकता है ऑप्शन मिल जाए, तो हमें पता रहेगा, तभी हम उसको एलिमेंट कर पाएंगे, वहां पे उसको निकाल पाएंगे और उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, है कि नहीं?
क्लियर जी सर। जी सर ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले तथ्यों की तरफ हम लोग बात करेंगे। और अगला हमारे सामने यह है धारा चार का का। चार का का बेसिकली आप भलीभांति तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप जानते हैं विज्ञापन पर निषेध है। चार का काम है दहेज के विज्ञापन पर पाबंदी है, ऐसा करने पर कारावास है जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक भी हो सकती है, जुर्माने से ही 15,000 तक भी हो सकता है, यानी एक प्रकार से यह दंडनीय होगा। इसका मतलब क्या है कि आपने क्या कर दिया भी कि पब्लिक कर दिया है ना, न्यूज़पेपर और भी मीडिया सोशल मीडिया का आपने यूज कर दिया कि भाई मैंने दहेज इतना दिया। आपने देखा भी होगा शादी विवाह में कि जो है इतना दहेज उनके पास गया है ना, वो चीजें बेसिकली नहीं होनी चाहिए। विज्ञापन निषेध बनाया गया है, यदि आप विज्ञापन करते हैं उसके संबंध में आपको 5 साल तक जेल हो सकती है, तो विज्ञापन भी नहीं करना चाहिए। हालांकि लोग वीडियोस बनाते हैं, बनाना नहीं चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें देख सकते हैं आप लोग, यहां पे लिखा हुआ धारा 4 के काम में अगर विज्ञापन हुआ तो 5 वर्ष का जेल हो सकती है और 6 महीने से शुरू होती है, ठीक है, और 5 साल तक भी हो सकती है, जुर्माने भी लगाए जा सकते हैं आपके ऊपर। ये बात समझ में आई धारा 4 का क्या कह रहा है, बता दीजिए एक बार। यस सर, धारा 5 क्या कहता है? धारा 5 जी, अगर विज्ञापन कर देंगे तो कम से कम 6 माह से लेकर के 5 वर्ष सजा हो सकती है, जुर्माने में रुपया 15,000 तक जुर्माना देना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, श्योर श्योर, ठीक है। धारा 5 कहता है कि दहेज देने और लेने के लिए करार, करार प्रारंभता, प्रारंभता का मतलब देखिए, करार का मतलब मैंने अभी आपको बताया भी था, एग्रीमेंट वाला है ना, एग्रीमेंट वाला। जैसे मैं एक बात करता हूं आपसे, शादी के समय उसने जैसे वादा किया कि भाई मैं आपको एक गाड़ी दूंगा या कार दूंगा या बुलेट दूंगा या बाइक दूंगा, इस तरीके कुछ उसने वादे किए शादी के दिन, लेकिन शादी के दिन नहीं दे पाया उसने, है ना, शादी के दिन वो दे नहीं पाया और उसने कहा कि मैं शादी मतलब कुछ दिन बाद दे दूंगा, ठीक है, कुछ दिन बाद दे दूंगा उसने बोला। तो शादी हो जाने के बाद, ठीक है, लगभग मान चलिए वो 7 साल या 2 साल इस तरीके का मान लीजिए कुछ वर्ष बीत गए, उसके बाद उसने कहा भाई आपने कहा था ये बाइक देने के लिए, कार देने के लिए, आपने कार बाइक दिया नहीं, ठीक है, अब वो चाहे तो वहां पे ना भी दे उसको, उसको नहीं भी दे सकता कि मैं शादी नहीं दूंगा, मतलब मैं यहां पर ये जो आपने जो सामान मांगा है उपहार मैं ये नहीं दे पाऊंगा और नहीं दूंगा। तो यहां पर बेसिकली क्या है कि करार जो किया गया था दहेज लेने और देने के संबंध में वो शून्य हो जाएगा, इस संबंध में, उस संबंध में शून्य हो जाएगा। तो शून्य होने का मतलब ये भाई वो कहेगा कि भाई मैं तो अब आप अपने लड़की को अपने घर पे रखो फिर, तो है ना, इस कंडीशन पे आगे केस बढ़ेगा अभी, तो वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस सरते आपको केवल इतनी बात ध्यान रखना यहां पर कि धारा 5 में जो बताया गया है वो दहेज लेने और देने के लिए एग्रीमेंट की बात हुई है और वो शून्य हो जाएगा एग्रीमेंट, है ना, एग्रीमेंट शून्य हो जाएगा। अगर जैसे आपने वादे कर दिए अगर आप नहीं भी दोगे ना तो कुछ नहीं हो सकता, कोई बात नहीं मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर प्रताड़ित भी करेंगे तो आगे आपको मिलेगा भी, अगर महिला को अगर उसको प्रताड़ित भी किया तो अभी आपको आगे देखने को मिलेगा, ठीक है सर। ये लिखित हो या लिखित दोनों तरीके से मतलब? हाँ दोनों तरीके से हो सकता है, दोनों तरीके में शून्य है ना, ऐसे कोई थोड़ी ना आया भैया नहीं हो पाया उसके बाद नहीं देगा पाएगा, है ना। और दहेज तुम लिखित और लिखित की बात क्यों करते भाई, जाहिर सी बात है दहेज तो लेना है ही नहीं, पहली बात यही एक तो ये गलत हो गया है ना कि दहेज तो लेना ही नहीं है, तो वो लिखित तो करेगा ही नहीं है कि नहीं। कुछ जगह पे ऐसे लोग करते हैं ना, तो अगर कर भी लेंगे तो वो तो फिर भी दंडनीय अपराध है भाई, फिर तो उसके जाके तो तुम तो उसकी जेल में कर देगा उसी को, चल भी आ जा तू, है ना, 5 साल के लिए, 6 से आपने देखा ना 6 से 5 साल होगी तो 5 साल यानी याद रखो पंचवर्षीय योजना लागू उसके लिए। फिर बात करते हैं धारा 6, दहेज पत्नी या उसके उत्तराधिकार के फायदे के लिए होगा। देखिए धारा 6 क्या कहता है, जो दहेज मिलता है ना, जो उपहार दिया जाता है बेसिकली, जैसे क्या होता है यहां उपहार इसके संबंध में अगर मैं बात करूं तो एक पिता और एक माता जो अपनी बच्ची को देते हैं वो उसके यूज करने के लिए देते हैं, अब ताकि उसकी जो बेटी भाई दूसरे घर जा रही है तो इस सामग्री को वो यूज कर सके, ठीक है, उसके लिए दे रहे हैं, तो उस पे जो है उसका जो हक है या तो उसका उत्तराधिकार यानी उसके बालक का होगा या तो उसकी उसकी लड़की का होगा, ठीक है, स्त्री के। पति का कोई हक नहीं होता है उसकी संपत्ति पर, यह धारा 6 कहती है,
ठीक है, याद रखिएगा, दहेज पत्नी या उसके उत्तराधिकार के फायदे के लिए होना है, ठीक है, यह बात ध्यान रखिएगा। यदि दहेज स्त्री से भिन्न किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाता है तो वह व्यक्ति दहेज को, देखिए इसके अंतर्गत कुछ कंडीशन होती है भाई, दबे ऐसा हुआ कि यदि दहेज जो है स्त्री से भिन्न यानी किसी व्यक्ति को प्राप्त हो गया, कोई अन्य व्यक्ति के घर चला गया, है ना भाई, होता है ना ऐसा भाई, शादी मतलब जो विदाई होती है वो 8-9 बजे होती है, जो घर का सामग्री होती है वो 5 बजे ही ट्रैक्टर पे चला जाता है। गांव में बेसिकली आप लोगों ने शादी में अगर देखा होगा तो देखा होगा, है ना, तो इसके अंतर्गत कुछ कंडीशंस हो। कहता है कि यदि विवाह के पहले प्राप्त किया गया, विवाह से पहले यदि विवाह के पूर्व प्राप्त किया गया था तो विवाह की तारीख से 3 माह के भीतर उस स्त्री के पास उसकी संपत्ति आ जानी चाहिए, पहली कंडीशन ध्यान रखिएगा, 3 महीने के अंदर उस स्त्री के पास जो संपत्ति आप लोग लेके गए हैं 3 महीने के अंदर उसके पास आ जानी चाहिए, यह कंडीशन है। दूसरा, यदि दहेज विवाह के समय या उसके बाद प्राप्त किया गया था तो विवाह की तारीख 3 माह के भीतर, यानी यदि दहेज विवाह के समय या विवाह के बाद प्राप्त किया गया तो भी दहेज के अंतर्गत, अगर हम बात करें विवाह के अंतर्गत, तो विवाह की तारीख से जोड़ा जाएगा और वो 3 माह के अंदर। हालांकि पहला और दूसरा दोनों इंपॉर्टेंट है, पहला इसने कहा कि विवाह से पहले की बात, होता है ना कि विवाह होगी भाई मान लीजिए 28 फरवरी को, है ना, अब पता चले आपको कि भाई आपने जनवरी में ही उसका जो है जो उपहार था, जो संपत्ति, जो दहेज था वो आपने ले लिया, है ना, पहले ही मंगवा लिया, ठीक है, तो और उस स्त्री के पास नहीं पहुंचे, सीधे ही पहले ही दे देते हैं सर, हाँ, तो उसके पास पहुंची नहीं, तो वो कंडीशन में आपको 3 महीने के अंदर पहुंचाना है। दूसरी कंडीशन, दहेज विवाह के समय जब जो जिस दिन शादी हो रही है, ठीक है, उस दिन, या मान लीजिए कि शादी होने के बाद भी उस दिन, तो उस अगर वो भी संपत्ति उसकी किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच गई है तो वो भी 3 माह के अंदर आ जाने चाहिए, ठीक है। तो धारा 6 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और उस संपत्ति पर जो अधिकार होगा उस स्त्री का है और उसके बच्चे का है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत लोग, आप लोग बोलते हो ना कि ये संपत्ति हमारी शादी में ये मिला हमें, भाई आपको कुछ नहीं मिला है, वो कितने लोग बोलते हो भाई, किसी को हुई शादी अच्छा इस ग्रुप में? नहीं सर, अभी तक नहीं हुई, अभी नहीं हुई, किसी की भी नहीं हुई शादी इस ग्रुप में, सारे अनमैरिड हैं हमारे ग्रुप में। हाँ सुनील सर, हुई है ना सुनील सर से अभी, है ना, चलो अच्छा ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, सर आप कितना लिए थे सर? हाँ सर, आप कितना लिए थे सर? अरे हमने, अच्छा सिराज, हमने भाई निधि से ही पूछ लो, हमने तो कुछ नहीं लिए, है ना, अच्छा नहीं सोचा कि सर गुरुजी से ही पहले पूछ ले सर कि उनकी शादी हुई तो क्या लिए थे सर शादी के लिए। हम तो गएंगे आप हमें, हाँ हमने भाई दो कुछ नहीं, वो तो बसरते जो भी उन्होंने दिया वो अपने बच्ची को दिया, है ना, जो एक सामान्य सी बातें होती है, बाकी कोई डिमांड नहीं और कुछ भी हमने ऐसा कुछ नहीं मांगा, है ना, ठीक है। तो बाकी तो आप, हाँ अगर आप सोचे कि भाई झूठ बोला तो आप पूछ सकते हैं, है ना सर, निधि से भी। हाँ सर वही बात हुई, आपने बताया पहला प्रयोग आप ही लोग कर दे रहे हैं नहीं चलिए कोई नहीं, वो चीजें याद रहे बस, है ना, ठीक है। चलिए बात करते हैं थर्ड पॉइंट, देखिए यदि दहेज प्राप्त करने के समय, दहेज प्राप्त करने के समय, है ना, यदि दहेज प्राप्त करने के समय स्त्री अवयस्क है, अवयस्क है, तो उसकी 18 वर्ष पूरा होने के 3 माह के भीतर उसके पास संपत्ति आ जानी चाहिए। सपोज बेसिकली ये कंडीशन बनती ही नहीं, आपके दिमाग में आ रहा हो कि यार बाल विवाह का पार्ट बन गया, है ना, बाई द वे ऐसी सिचुएशन बनती है तो भी आपको वो 3 माह के भीतर आना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। यदि दहेज प्रथा करने के समय में अगर बात किया जाए, दहेज प्राप्त करने की बात किया जाए तो वहां स्त्री अवयस्क के रूप में दर्शाई गई है, 18 वर्ष से नीचे है, ठीक है,
और उसे भी 3 माह के भीतर भी दिया जाएगा। तो ये कंडीशन ये भी रखी गई है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, बट ये कंडीशन आती ही नहीं। फिर कहता है कि उस विवाहित स्त्री को लौटा देगा यदि दहेज प्राप्त करने वाला व्यक्ति उपर्युक्त वर्णित समय सीमा के भीतर दहेज लौटाने में असमर्थ होता है। लौट आने में वो क्या होता है, असमर्थ रहता है, तो वह कारावास से जिसकी अवधि है 6 माह से कम नहीं किंतु 2 वर्ष तक की भी हो सकती है, और जुर्माने से अगर हम बात करें तो 5,000 से कम नहीं लेकिन 10,000 तक का भी हो सकता है, यानी दोनों के दोनों यहां पर दंडनीय अपराध माने जाएंगे फिर, ठीक है, ऐसी कंडीशन पर। तो अब ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये भी आपको अब आप बता भी सकते हो लोगों से। देखो ये सारी चीजें है ना बताने वाली, लोगों आप लोग बताने से क्या होता है आपको याद होंगे ये सारी चीजें, बहुत कम लोगों को पता है ये सारी बातें, तो आप बताया करो कि एक्ट में ये चीजें हैं, ऐसा अगर करोगे तो ये ऐसी दिक्कतें आएंगी, और ये जो दहेज वगैरह ये तुम्हारा नहीं है, उसका है सब कुछ, है ना, और ये ज्यादा खुश मत हो, अपने बेड पर से उतार देगी तुम्हें, है ना, तो ये सारी चीजें बताया करो उनको ताकि ये चीजें उससे याद हो, लोग जागरूक हो, है ना। धारा 7, आज पता चला सर, ऑप्शन अपना जरूरी है तब सर जी, आज पता चला सर ऑप्शन रखना जरूरी है सर इस एक्ट के अनुसार सर। हाँ बिल्कुल, अब जानकारी होना जरूरी है। धारा 7 देखिए क्या कहता है, अपराधों का संज्ञान इसमें मेंशन कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपराधों का संज्ञान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार कहा गया कि अपराधियों का संज्ञान प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट ले सकेंगे। मतलब अगर अपराध में अगर कोई यहां पर बातचीत करेगा, उसका देखेगा, जांच पड़ताल करेगा, तो अपराधियों के संज्ञान में जो प्रथम वर्ग आएगा वो न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा इस मामले में, और दूसरे नंबर पर अगर बात करते हैं तो उसी के नाम से महानगर मजिस्ट्रेट के भी नाम से जाने जाते हैं, और ये भी उसके संज्ञान की जांच पड़ताल कर सकते हैं। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट दोनों शामिल रहेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा, तो ये ले सकते हैं। सर संज्ञान मतलब क्या, संज्ञान का मतलब नहीं था कि हमारे संज्ञान में आ गया, हमारे विचार में आ गया, हम जांच पड़ताल करेंगे, है ना, जानकारी लेंगे, एकत्र करेंगे, है ना, और पूछताछ करेंगे, वही संज्ञान होता है, ठीक है, क्लियर मैम। सर इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे फिर? अरे भाई संज्ञान, अपराधों का संज्ञान में क्या कह सकते हो, संज्ञान का मतलब क्या होता है जी? नॉलेज में हो जाना, बिल्कुल नॉलेजेबल हो जाना, अपराधों का संज्ञान वही कहलाता है। संज्ञान देखो बेसिकली क्या है, आप लोग जानते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर वाली प्रक्रिया में भी है ना, कॉग्निटिव बिहेवियर वाली प्रक्रिया में उसमें उसका मतलब क्या था, समझना ही तो होता है, जानना ही तो होता है उसका भी, है ना, तो आप कॉग्निटिव को भी चीजों रिलेट करा सकते हो। संज्ञान मैं कह रहा हूं किसी चीज को जानना, जानने का इंग्लिश नहीं जान रहे हो आप, समझना, नॉलेजेबल भी आप कह सकते हो इस पे, है ना। क्वेश्चन धारा नंबर 8 की बात करते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक अपराध जो होगा वो अजमानती होगा और असमनीय होगा। अच्छा, असमनीय, इस अधिनियम के इस धारा के अंतर्गत अगर कोई जिक्र किया गया है तो एक शब्द यहां रिलेट हो रहा है कि भाई अगर मान लीजिए ऐसा कोई अपराध होता है तो पहली चीज तो ये तय है कि ये बेसिकली अजमानती होगा। अजमानती का मतलब समझते हो, मैंने पहले भी आप लोगों से कोई जमानत नहीं होती, हाँ जमानत ना हो, उसके परिपेक्ष में अजमानती शब्द को यूज किया गया। अच्छा जैसे समन क्या होता है, जैसे एक सिंपल समय एक एग्जांपल देना चाहूंगा, उससे समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे क्या होता है कि आप अगर बाइक चला रहे हैं और बाइक चलाते समय ध्यान से थोड़ा समझिएगा, आपको ने जो है जो पुलिस होती है चक्कर जिसको क्या कौन सी पुलिस बोलते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, हाँ ट्रैफिक पुलिस ने क्या किया आपको पकड़ लिया और आपके पास सब कुछ है, लाइसेंस है और पॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है, जो बाइक है जो कार है जो उसकी आरसी वगैरह सब कुछ आपके पास, परंतु आपके उस समय वर्तमान समय पे नहीं है, आपके घर पर है वो जो है आपके घर पे है, आपके जो है यहाँ पे वर्तमान समय पे नहीं है। तो इस जगह जो यूज किया गया है शब्द ना, तो वहां पे क्या होता है कि आप उनसे ये कह सकते हो
कि सर आप मुझे ना चलान काटने के बजाय आप ना आसमन, यानी एक समन होता है, आप समन काट दीजिए, ठीक है। समन, समन का मतलब एक प्रकार से ये होता है कि वहां फिर आपका चलान कम कटेगा, है ना, आपका वहां पे चलान कम। इसका मतलब ये है कि आपके पास है लेकिन अभी इस समय नहीं है, आपने जल्दबाजी में कहीं जाना था, आपने घर से निकले इसलिए जल्दबाजी में भूल गए हैं, तो वो वहां पे आपका चलान जो है कम होके काटा जाएगा, है ना, उसको कम। अब इस परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां क्या चीज दर्शाएंगे, तो यहां असमनी एक अपराध है, और इसका मतलब जो यहां दर्शाया जाएगा ये वो होते हैं जिन्हें अदालत की अनुमति के साथ या बिना समझौता किए जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई मानहानि करता है, उसका विश्वास भंग करता है, व्याभिचार होता है, ठीक है, उस परिप्रेक्ष्य में समनी शब्द को रिलेट कराया जाता है, ठीक है। समन, समन शब्द का मतलब सीधा आता है कि अनुमति के साथ या बिना समझौता किए कोई क्रिया करना समन कहलाता है। असमनी के अंतर्गत क्या होता है कि परिणाम समझौता नहीं हो सकता है। अपराध समाज को बेसिकली प्रभावित करता है, दोष सिद्धि और दोष मुक्ति में समाप्त करने की बात करता है। तो प्रत्येक अपराध पर अजमानत और असमनीय होगा, यह प्रतिक्रिया इसके अंतर्गत शामिल होता है। अजमानती और शमनीय प्रक्रिया जो है इसके अंतर्गत आ जाती है फिर, ठीक है। समझ में यह बात आया, एक बार अगर पूछो, अगर नहीं समझ आया फिर से पूछो, फिर बताते हैं क्या होता है। ये आ गया सर, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक जी आउटर सेटलमेंट होगा ना सर। जी हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, आउटर सेटलमेंट आप कह सकते हो, बिल्कुल है ना। उस परिपेक्ष में देखिए, यहां आपको केवल वैसे एक शब्द, ऐसे अपराध घटित होते हैं जिसमें अदालत की मंजूरी के साथ बिना सहमति के शामिल हो सकते हैं आप। आपने हमला किया, आपने विश्वास भंग किया, तो ऐसे अपराध जो होते घटित होने पर जिसमें अदालत की मंजूरी के साथ बिना सहमति से आप शामिल हो गए, वो समन है। फिर असमन क्या है, असमन का परिणाम होता है सहमति से नहीं, उसकी सहमति से नहीं, यह अपराध बेसिकली समाज को प्रभावित करता है। जैसे आप देख सकते हैं दहेज, है ना, उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को 3 या अधिक दिनों तक गलत तरीके से बंद रखना, है ना, बंद रखना गलत तरीके से, वो अशमनीय होता है, वो अशमनीय होता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम जो है इस शब्द को यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं धारा 8 के काम में, अभी आगे क्लियर हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा, अभी आगे और भी क्लियर हो जाएगा। धारा 8 का कहा, कुछ मामलों में सबूत का भार, जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन, देखिए सवाल बड़ा ही आसान सा है, अब यहां आपसे जो रिलेट कराया गया है वो धारा 3 को रिलेट करा रहा है। यहां अगर मैं आपसे बात करूं तो इसने कहा कि सबूत पर भार, जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन कोई दहेज लेने और दहेज लेने की दुष्प्रेरित करने के लिए, या धारा 4 जहां अधीन दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है, तो वहां यह साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने उन धाराओं के अधीन कोई अपराध नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने 3 धारा में बताया कि यदि कोई व्यक्ति जो है दहेज देना और लेना, दहेज लेना और देने के लिए दुष्प्रेरित कर रहा था, वो धारा आपका 3 था। धारा 4 बेसिकली जो रिप्रेजेंट किया गया वो विज्ञापन पर निषेध की बात की गई, विज्ञापन के निषेध पर बात की गई थी 4 का काम के अंतर्गत। और हालांकि 4 के अधीन में मांगने के लिए अभियोजित कर रहा है भाई, उसको बता रहा है कि भाई प्लानिंग कर रहा है भाई कि आप मांगो दहेज, है ना, तो वहां पर अगर हम बात करें तो वहां यह साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने उस धाराओं के अधीन कोई अपराध नहीं किया है। तो इस परिप्रेक्ष्य में जैसे इस अधिनियम में प्रत्येक धारा जो है, प्रत्येक जो अपराध है वो अजमानती है और वो अशमनी है। अगर इसमें यहां पर जैसे वो भाई होता ना, जैसे कोई प्रूफ या साक्ष्य की बात करता है, प्रूफ या साक्ष्य की बात करता है, तो मैं आपसे कहूंगा कि प्रूफ या साक्ष्य के लिए अगर वो आप प्रमाणित कर दे भाई धारा हमने नहीं, मतलब हमने दहेज नहीं लिया, या ये कह दे कि आपने दहेज लिया, इस संबंध में अगर कोई प्रक्रिया आती है वो धारा 8 का आती है, या आप उससे मोटिवेट किए हैं, तो यहां पर धारा 8 का
का के अंतर्गत तीन और चार दोनों बेसिकली यहां पे शामिल हो जाते हैं। आठ का जो खा है ये कहता है कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दहेज प्रतिषेध अधिकारी राज्य सरकार उतने दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जितने वह चाहती है या जितने वह उचित समझती है। तो दहेज प्रतिषेध एक अधिकारी होता है। इस विवाद को, इस समझौता को आप समझ लीजिए, जो भी प्रॉब्लम है इसके समस्या को समझाने के लिए दहेज प्रतिषेध जो अधिकारी है जो राज्य सरकार ने नियुक्त किया है, ठीक है, अच्छा इसको केंद्र सरकार भी नियुक्त कर सकती है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पर यह बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, वो और भी अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है और ये कोई संख्या लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड कर सकती है ना, अनलिमिटेड कर सकती है, ठीक है। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके दहेज प्रतिषेध अधिकारी को पुलिस अधिकारी की शक्तियां भी प्रदान की, मतलब यहां पर देखिए उससे सब कुछ आपको जानना है तो उसके लिए उसने कहा है कि मैं आपको पुलिस अधिकारी की भी शक्तियां देता हूं, आप उन्हें कूट भी सकते हो, है ना, यानी उनसे भी आप क्या करें कुबलवा सकते हो, है ना, तो यानी ये भी पावर है उनके पास, राज्य सरकार ने ये भी दिया है, यानी पुलिस अधिकारी की शक्तियां भी यहां पर उनको दे रखा है, यहां धारा 8 के खा में है ये चीज है। धारा 9 कहता है नियम बनाने की शक्ति है, मतलब केंद्र सरकार अधिनियम के संबंध में नियम बना सकती है, केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम यथाशीघ्र मतलब त्वरित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष 30 दिन के अवधि के लिए इसे रखा जाएगा। तो नियम बनाने की जो शक्ति है बेसिकली केंद्र सरकार अधिनियम के संबंध में नियम बना सकती है, बात सही है, तो प्रत्येक नियम को यथाशीघ्र तरीके से वहां पर उसमें सुचारू रूप से संशोधन कर सकती है और संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष वो भी 30 दिन के अवधि के अंदर रखा जाएगा और 30 दिन के अंदर वहां पर नियम में बदलाव होंगे, है ना, तो नियम की शक्ति वगैरह की भी परिवर्तन यहां पर बात की गई है धारा 9 में। धारा 10 कहता है कि इसके अंतर्गत अधिनियम के संबंध में राज्य सरकार नियम बना सकती है, बिल्कुल बात सही है, इंपॉर्टेंट है, राज्य सरकार नियम बना सकती है, ठीक है, ये मत सोचिएगा केंद्र सरकार ही बना सकती है, राज्य सरकार ही बना सकती है नियम, राज्य सरकार भी बना सकती है, याद रखिएगा। धारा 10 के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए गए या बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के पटल पर रखा जाएगा, यथाशीघ्र मतलब उस पर क्रियान्वित करने के लिए विधानमंडल के पटल पर भी ये चीजें रखी जाएंगी, तो ये जिक्र किया गया धारा नंबर 10 के अंतर्गत, धारा 10 के अंतर्गत, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बात करते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम, अच्छा अभी इंपोर्टेंट तथ्य देखते हैं आप यहां पे। सर ये पटल शब्द आया था वो क्या होता है, पटल का मतलब होता है कि प्रस्तुत करने के संबंध में, है ना, पटल शब्द का जो अर्थ रिप्रेजेंट करता है जैसे नहीं किसी चीज पर एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप रखना, स्टेप बाय स्टेप रखना है ना पटल, या उसको रिप्रेजेंट करना पटल पर, है ना, तो मतलब विधानमंडल में वो पटल पर रखेगा, विधानमंडल में उसे प्रस्तुत करेगा, है ना, मतलब यही बात है पटल, क्लियर जी सर। अब दहेज प्रतिषेध अधिनियम 20 मई 1961 को अधिनियमित हुआ और 1 जुलाई 1961 को यानी 1961 को यह लागू हुआ, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है, दहेज लेना देने के प्रतिबंध को लगाना यानी उसको रोकना। नेक्स्ट पॉइंट, दहेज अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित किया गया है दहेज के बारे में, बिल्कुल सही बात है। भारतीय दंड संहिता 1807 की धारा 30 में मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ बताया गया है, यानी उसका अर्थ दिया गया है, जैसे वो पहाड़ वगैरह है ना, तो जैसे क्या आपने नाम सुना होगा, एक आईपीसी होता है एक सीआरपीसी होता है, तो आईपीसी क्या बताता है, कहता है कि ये जो है आपने दंड किया है, ये दंड है, ठीक है, दहेज आपने लिया है, ये उपहार लिया है, अब यही इसके संबंध में आपको इतने साल की सजा होगी, ये सब सारी चीजें होंगी, क्या क्या दंड दिया जाएगा, ये आपको सीआरपीसी में मिल जाएगा, तो इसके अंतर्गत भी आपको ये ध्यान रखना होगा। कहता है कि किसी विवाहिता की यदि उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है, देखिएगा यहां भी समझिएगा,
ध्यान से, यदि मान लीजिए किसी विवाहिता की यदि उसकी विवाह के 7 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है, तब दहेज की संपत्ति उसके माता पिता या तो उसके संतान को हो जाएगी, उसको दे दिया जाएगा उसकी संपत्ति। अगर उस महिला के पास बच्चा तो बच्चे के पास जाएगा, और बच्चा नहीं है तो उसके माता पिता के पास जाएगा, अगर 7 वर्ष के भीतर मृत्यु होती है तब, ऐसी कंडीशन पर। और यह दहेज अधिनियम बताता है। दूसरा कहता है कि अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराधों और संज्ञान की प्रथम श्रेणी जो होगी वह न्यायिक मजिस्ट्रेट का होगा, महानगर मजिस्ट्रेट। अच्छा, मैंने ऊपर बता दिया इसके बारे में। धारा 5 कहता है कि 2 व्यक्ति के बीच में अपनी मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए किए गए करार को वैधता जो है शून्य रहेगी। अब आपस में आप लोग कुछ भी खिचड़ी पका लो, हम आपको वो देंगे, आपको ये देंगे, भाई उससे कुछ नहीं पता, कानून के ये सब कुछ नहीं मालूम, वो उसकी वैलिडिटी है ही नहीं, और आप जा ही नहीं सकते कानून, जाओ आप कहां जाओगे, नहीं देगा भाई बंदा, अगर नहीं देगा तो नहीं देगा, और आपकी इतनी भी हिम्मत नहीं भाई कि आप उसे छोड़ दो, है ना, आप उसे छोड़ भी नहीं सकते हो, क्योंकि उसके आगे भी कानून है, आप फिर बोल देंगे, वो बता देगा कि भाई आप दहेज मांग रहे थे इसलिए छोड़ दिया, भाई ऐसा कर भी नहीं सकते आप उसे, मतलब दोनों तरफ से आप क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखिए। आगे देखिए, दहेज लेना और देना दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 1961 के अंतर्गत कुछ अपराध बताए गए हैं, क्या अपराध हैं, ध्यान सुनिएगा। भारतीय दंड संहिता के धारा 304(2) में दहेज मृत्यु के बारे में बताया गया है, दहेज मृत्यु के बारे में बताया गया है, है ना। आप मान लीजिए दहेज के लिए आप उसे प्रताड़ित कर रहे हो, उसकी डेथ हो गई, या दहेज से उसके ऊपर मतलब बहुत क्रूर बिहेवियर आपने किया उसके साथ, ठीक है, तो उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो भारतीय दंड संहिता में 304(2) में मिल जाएगी। दहेज मृत्यु के अपराध का खोज या जांच, आप कह लीजिए जांच, कह लीजिए जांच, है ना, अन्वेषण मतलब जांच। दहेज मृत्यु के अपराध, जैसे जो दहेज मृत्यु की बात में कर रहा हूं यहां पे, उसका अन्वेषण यानी जांच पुलिस उपाधीक्षक करेगा, याद रखिएगा पुलिस उपाधीक्षक करेगा, कभी कभी ऑप्शन में निरीक्षक आता है, निरीक्षक नहीं होता है, पुलिस उपाधीक्षक करता है, इसी के स्तर के अधिकारी के द्वारा किया जाता है। और अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध का समझौता नहीं किया जाता है, अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध जो होते हैं उसका समझौता नहीं किया जा सकता है, है ना, भाई मान जाओ ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना, कोई समझौता नहीं, ठीक है, सीधा 5 साल की जेल। आगे देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के किस धारा में दहेज परिभाषित किया गया है, 4 ऑप्शन बताइए। धारा दो। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन आपका यहां पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, बढ़िया जवाब। चलिए अगला सवाल, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का उद्देश्य है दहेज लेना दहेज देने के प्रतिषिद्ध करना, और यह अधिनियम में उल्लेखित है कौन से, धारा 5 कह रहे हैं आप, सोच लीजिए जी, प्रस्तावना, बिल्कुल ऑप्शन 3, समझिएगा थोड़ा सा इस सवाल को। जैसे मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम का उद्देश्य बताइए, है ना, उद्देश्य, तो आप बेसिकली अगर मैं बात करता हूं तो आपने पहला जो सुना था, पहला जो अधिनियम आपने देखा था, धारा, पहला धारा क्या था, उसमें उद्देश्य लिखा हुआ था, उसमें क्या लिखा हुआ था, उद्देश्य के साथ साथ उसमें लागू लिखा हुआ था, स्वीकृति लिखा हुआ था, उसका विस्तार लिखा होता है, यही सब लिखा होता है ना धारा 1 में। और धारा 1 को ही पहले जैसे भारतीय संविधान में हम लोग क्या करते हैं, भारतीय संविधान को पढ़ने से पहले सबसे पहले प्रस्तावना पढ़ते हैं, तो जब हम अधिनियम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ना पड़ता है, धारा नंबर 1 पढ़नी पड़ती है, और एक धारा में वो जो एक धारा है उसको प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम का जो उद्देश्य, ये शब्द उद्देश्य है, यह उद्देश्य शब्द बेसिकली रिलेट करा रहा है आपको क्या, प्रस्तावना। तो यहां ऑप्शन जो जा रहा है वो ऑप्शन आपका 3rd करेक्ट होगा। इस प्रश्न में अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना को ही उद्देशिका बोला जाता है, इस बात से अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, उद्देशिका बोला जाता है, प्रस्तावना को क्या बोला जाता है, उद्देशिका बोला जाता है, है ना। तो यह सवाल यहीं पर बेस्ड था, क्लियर है,
ओके जी सर। अगला सवाल, क्वेश्चन कहता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ? देखिए लागू कब हुआ, 1 जुलाई 1961। चलिए कोई बात नहीं, निकल जाता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किया था? 20 मई 1961। बिल्कुल ऑप्शन डी यानी 4 ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब। बात करते हैं कि दहेज लेना देना किस विधि के अंतर्गत अपराध होगा, बताइए। ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, भारतीय दंड संहिता। एक नंबर। अरे भाई समझो, मैंने कहा अभी आईपीसी सीआरपीसी के बारे में बात किया है, प्लीज इसको ध्यान में रख के सोचो इस सवाल को, तब सही जवाब होगा। सिराज और भी सोचिए भाई, मनीषा थर्ड। बिल्कुल सवाल आप सही तरीके से नहीं सोच रहे, ऑप्शन थर्ड होगा। देखिए दहेज लेना देना किस विधि के अंतर्गत आता है, तो विधि तो वही ना भाई, भारतीय दंड संहिता ही, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कहाँ आ जाएगा आपका, ये विधि पूछा है ना, तो विधि तो आपका यही सही होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर होगा, है कि नहीं? यही देखो सवाल आए हुए आप गलत जी, किसके बारे में इस सवाल के बारे में, तो सुनो। जैसे आपको अगर मैं बता दूं, भारतीय दंड संहिता की बात हम जब करते हैं 1860 वाला, जहां भारत के अंदर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए अपराधों की परिभाषा दंड का प्रावधान करती है, यही बात है ना, दंड का प्रावधान करती है कि नहीं करती है, तो दहेज लेना दहेज देना दंड है कि नहीं है। अब इसी दंड को किस विधि के अंतर्गत रखोगे, तो भाई दंड के बात करते हैं तो आईपीसी के अंतर्गत रखोगे, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत रखोगे। अब पूछ लेता आपसे भैया कि 5 साल की जेल हुई है, 15,000 रुपए प्लस में उससे जुर्माना हुआ है, तब वो सीआरपीसी आता, तब वहां पर सीआरपीसी आता, यहां पर जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट माना जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नहीं समझ में आया अभी सीआरपीसी के फुल फॉर्म क्या होगा बताइए? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सर। ओके सही जवाब, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो 1974 का है, 73। आपराधिक प्रक्रिया संहिता बोलते हैं, सही जवाब। उसमें क्या कहता है, आपराधिक प्रक्रिया में जो संबंधित कानून होगा उस कानून को मजबूत करना होता है, ठीक है, और ये सीआरपीसी होता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडर, है ना, प्रोसीड, ठीक है, याद रखिएगा उसे, क्लियर रहेगा, बता दीजिए एक बार। 1973 सीआरपीसी, है ना, ठीक है। दहेज लेना और देने के लिए दंड का प्रावधान दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में जिक्र किया गया है? धारा 3। दहेज लेना और देना दहेज, अगर हम बात करते हैं तो धारा 3, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट जवाब होगा। ये जो प्रावधान के जिक्र हो रहा है वो धारा जो रिप्रेजेंट हो रही है वो 3 हो रही है, सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा ही सही है। कोई महिला अपने विवाह के कितने वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मर जाती है? तो उस प्रथम दृष्टया 7 वर्ष प्रथम दृष्टया दहेज मृत्यु माना जाएगा। दृष्टया का मतलब क्या होता है, मैंने अभी लास्ट में बताया भी था, दृष्टया क्या होगा, दृष्टया नहीं समझ में आया, पहली बार देखने से जो पता चल जाए। ओके दृष्टिया साक्ष्य सर, साक्ष्य अच्छा, जांच हो सकता है, प्रथम जांच दहेज मृत्यु माना जाएगा, अभी मैंने बताया तो था आप लोगों से। तो इस कंडीशन में अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रथम दृष्टिया कौन होगा, तो यहां पे
सही जवाब आपका क्या होना चाहिए, कौन सी अच्छा इसमें पूछा गया है ना परिस्थितियों में मर जाती है तो, अच्छा कितने बताइए। हाँ यहाँ ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सात, हाँ बी आपका करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन सात वर्ष बी ऑप्शन। दहेज मृत्यु का उल्लेख किया गया है, बताइए किसमें। अब ये देखिए दहेज मृत्यु का उल्लेख किया गया है, अब बताना है आपको। दंड संहिता में धारा 304 में किया सर, 304 के दो में। अच्छा चलो ठीक है, अभी आपने बहुत अच्छा बताया ये पहला ऑप्शन। क्या दहेज प्रतिषेध अधिनियम में नहीं बताया गया है दहेज मृत्यु पर? हाँ सर, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, पहला और दूसरा दोनों, ठीक है यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। यदि महिला, यदि किसी महिला की उसकी विवाह के सात वर्ष के अंतर्गत मृत्यु हो जाती है तब दहेज में प्राप्त संपत्ति मिलेगी पति को या उसके माता पिता को, यदि उसे संतान हो तो उसे संतान हो तो उसको भी, दोनों को मिल सकती सर। लेकिन यहाँ अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो यहाँ तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि मैं अगर इस सवाल को अगर दिया हो तो एक चीज ध्यान रखिए, ऑप्शन के रूप में परिपेक्ष में तो सबसे पहले जो आप चुनाव करेंगे वो ऑप्शन नंबर थर्ड का। अगर ऑप्शन में ये नहीं है, संतान नहीं है, तब आप उसके माता पिता लगाएंगे, लेकिन आप प्राथमिकता जो देंगे वो ऑप्शन नंबर थर्ड को, संतान को पहली प्राथमिकता देना है। हाँ ये बात ध्यान रखिएगा। बात करते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत दी दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज लेने और देने के लिए किया गया करार होगा। बच्चा भाई अच्छी बात है, मैंने भी पढ़ाया है, ऑप्शन टू शून्य होगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर टू करेक्ट जवाब होगा, वो शून्य माना जाएगा। वह कौन सा विवाह माना जाता है? शून्य माना जाता है, यहाँ आपका यही ऑप्शन करेक्ट होगा। दहेज मृत्यु के अपराध में जांच, यानी जांच का मतलब अन्वेषण, कौन करता है? थाने का भार साधक करेगा या उप निरीक्षक स्तर पर पुलिस अधिकारी करेगा या पुलिस उपाधीक्षक स्तर पर पुलिस अधिकारी करेगा? पुलिस अधीक्षक स्तर का पुलिस अधिकारी, ऑप्शन नंबर तीसरा, बिल्कुल ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर होगा। यहाँ पे पुलिस उपाधीक्षक स्तर पर पुलिस अधिकारी करता है दहेज मृत्यु के अपराध के संबंध में, अभी मैंने ऊपर नोट भी किया था, है ना ये सर एक मिनट सर इसके आईपीसी के धारा 304 के सब सेक्शन दो के अकॉर्डिंग बताए थे सर कि उसमें तो आप बोले थे कि पुलिस अधीक्षक सर, सिर्फ पुलिस अधीक्षक उसमें लिखा था सर? नहीं उपाधीक्षक लिखा है सर, उपाधीक्षक पुलिस अधीक्षक नहीं लिखा हुआ है, पुलिस उपाधीक्षक लिखा है, मैंने नोट किया। हाँ उपाधीक्षक लिखा हुआ है सर, है ना? अच्छा अच्छा, हाँ उसमें पुलिस अधीक्षक नहीं लिखा, मैंने वहां पे रुक के बताया भी था कि उप निरीक्षक होगा एक ऑप्शन में, जो एसआई के नाम से जानते हैं स्तर पर पुलिस अधिकारी होते हैं वो एसआई के नाम से जानते हैं, ये नहीं होंगे, ठीक है याद रखिए। हाँ सर, मृत्यु होती है ना सात वर्ष के पूर्व पहले की बात है ना, सात है जेल भी होगी और उसको जो है 15,000 से लेकर प्लस में 15,000 से लेकर लाख, यानी 1,00,000 के बीच में उसको जो है वो भी देना होगा, जुर्माने भी देने होंगे दंडनी, और वो बेसिकली बढ़ाया जा सकता है, वो प्रथम दृष्टया के अकॉर्डिंग देखा जाएगा ना, अगर ऐसा होता है तो मिलता है तो, है ना, अगर ऐसा मिलता है। फिक्स नहीं है कुछ, देखो कंडीशन बताएगी ना, फिक्स क्यों नहीं है, उसमें अकॉर्डिंग उसको फिक्स किया गया, ऐसी बात नहीं है, है ना, कि अगर मतलब दहेज के संबंध में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई दहेज के संबंध में महिला की मृत्यु हो जाती है तो कितने वर्ष का जेल और जुर्माना होगा, तो ऐसे कंडीशन पे लिखा है उसमें, ठीक है, राजपत्र अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा दहेज, बेसिकली हत्या का जांच होगी तो हत्या का पार्ट बन जाएगा, है ना, तो कहीं कहीं आपको बेसिकली 5 साल प्लस होता है, ठीक है, या 7 साल का कारावास हो सकता है न्यूनतम में, आज अगर हम बात करें मैक्सिमम में तो वो आजीवन कारावास हो सकता है ना, आजीवन कारावास हो सकता है, ठीक है ना, इसके संबंध में,
वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। तो ये इतनी बात ध्यान रखो कि उसको जो है 7 साल निम्नतम के रूप में रखिए, मिनिमम के रूप में रखिए, आजीवन कारावास रखिए उसके संबंध में, अगर मान लीजिए महिला की मृत्यु हो जाती है तो। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्लियर है ना। हाँ, आगे देखिए, दहेज लेने के लिए विज्ञापन देने वाले व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष के लिए दंडित किया जा सकता है? कम से कम 6-5 कम से कम 6 माह और अधिक से अधिक 5 वर्ष। कम से कम में 6 माह और अधिक से अधिक कितना? 5 वर्ष। बिल्कुल 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 सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। मतलब आप लोगों ने अच्छे से किया है, अच्छे से पढ़ा है, अच्छा जवाब आ रहा है। न्यायालय दहेज से संबंधित मामलों का संज्ञान कौन लेता है बताइए जरा? पुलिस रिपोर्ट पर, स्वयं की जानकारी पर, पीड़ित व्यक्तियों के परिवार पर, या उपरोक्त तो सभी? सभी पर। बिल्कुल सभी, यहाँ पे उपरोक्त तो सभी होगा, यहाँ पर सभी होगा। न्यायालय दहेज के संबंध में मामलों का अगर संज्ञान मिलेगा तो ये भी पुलिस ले सकती है, स्वयं पर भी हो सकता है, इस पे भी, पीड़ित व्यक्ति के परिवार पर भी हो सकता है जो पीड़ित व्यक्ति के बारे में सोच विचार कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के संबंध में कौन नियम बना सकता है भाई? अभी आप लोगों ने एक शब्दों में ही पढ़ा था, दोनों सर ए और बी, एक और दो, एक और राज्य दोनों बना सकते हैं 9 और 10 के अकॉर्डिंग, धारा 9 और 10 के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? दोनों 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र भी बना सकती है, राज्य भी बना सकती है। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही रखिए आप लोग। ये आपका जो टॉपिक है यहाँ पे दहेज प्रतिषेध अधिनियम आपका फिनिश हुआ। ठीक है, ये पीडीएफ और ये वीडियो का लिंक मैं अभी आपके ग्रुप में डाल देता हूं, आप आसानी से इसको पढ़ भी सकते हो और बाद में भी देख सकते हो। इसी के इर्द गिर्द आप लोगों के परीक्षा में भी सवाल बनाए जाएंगे, इतना अगर आप पढ़ रहे हैं एक्ट में बहुत है ना, हर एक्ट में। कल हम इसी तरीके से और एक एक्ट पर बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि जो है इस सप्ताह में, यानी एक सप्ताह में आप लोगों का ये जो एक्ट है समाप्त हो जाए, है ना, जो इतने भी इंपॉर्टेंट एक्ट है वो फिनिश कर दिए जाए। ठीक है, तो अभी आप लोग बने रहिए, आधे घंटे के बाद आप सभी की एक क्लास और चलेगी, वो क्लास जो होगी इसी लिंक पर होगी और वो बेसिकली आपका कुछ थ्योरीज है उसी पर आप लोगों की बातचीत की जाएगी। कल मैंने आप लोगों के, हाँ बताओ, सारे आज जो है डीड एसएसबी में भी सारे पीडीएफ भेजा है, ग्रुप जरूर आप टेलीग्राम जरूर देखिए, आप चाहे यूजीसी के बच्चे हो, चाहे एमपीपीएससी के हो, चाहे आप उत्तराखंड के हो, जहां मतलब आप अपने ग्रुप को बराबर चेक करते रहिए। ठीक है, ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों के लिए 30 मिनट का रेस्ट दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा रेस्ट करो, फिर उसके बाद मिलते हैं 30 मिनट बाद। ठीक है।